गाजा में इजरायली सैनिकों के हमास के ठिकाने पर हमले लगातार जारी हैं। इसी बीच वेस्ट बैंक विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाली तुर्की अमेरिकी महिला की इजरायली सैनिकों ने गोली मारकर हत्या कर दी। फिलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि महिला को सिर पर गोली मारी गई, इससे उसकी तत्काल मौत हो गई। इस घटना को लेकर अमेरिका और तुर्की दोनों देशों ने नाराजगी जताई है। व्हाइट हाउस ने छात्रा की मौत पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि उसने इजरायल को मामले की जांच करने को कहा है। उधर तुर्की ने छात्रा की मौत के लिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं फिलिस्तीनी और तुर्की अधिकारियों ने कहा कि इजरायली सैनिकों ने शुक्रवार को इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाली एक तुर्की अमेरिकी महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। 26 वर्षीय एसेनूर एगी बीते कुछ महीनों से इजरायल के खिलाफ मुहिम का हिस्सा थी। उसके पास अमेरिकी और तुर्की दोनों देशों की नागरिकता थी। एगी ने हाल ही में सिएटल में वॉशिंगटन विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया था। विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन ने उसकी मौत की खबर को भयानक बताया और कहा कि एगी बहुत ही व्यवहार कुशल थी और उसका अन्य छात्रों पर भी सकारात्मक प्रभाव था। एगी ने विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान और मध्य पूर्वी भाषाओं और संस्कृतियों की पढ़ाई की थी। छात्रा की हत्या को लेकर अमेरिका भी भड़का हुआ है। व्हाइट हाउस ने कहा कि हम एगी की मौत की खबर से बहुत परेशान हैं और हमने इजरायल से जांच करने को कहा है। उधर तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनके सिर में गोली मारी गई थी और उनकी मौत के लिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार जिम्मेदार है। वहीं इस पूरे मामले में इजरायली सेना का भी जवाब सामने आया है। इजरायली सेना ने कहा कि उसके सैनिकों ने एक पुरुष पर गोली चलाई थी, तो वह हमारे सैनिकों पर लगातार पत्थर फेंक रहा था और उकसा रहा था। इजरायली सेना छात्रा की मौत के मामले की जांच कर रहा है। वहीं नेतन्याहू के कार्यालय की तरफ से इस घटना पर अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।